Welcome back.

किया जाता था पोस्ट लेटर जाने में बहुत टाइम लगता था एक से दो दिन में आपका मैसेज कन्वे होता था धीरे धीरे ग्रामोफोन आए फिर टेलीफोन आए टेलीफोन के बाद में फिर मोबाइल डिवाइसेस आए कंप्यूटर्स आए लैपटॉप आए पीसी आए और आज आप मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पीसी में डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी पर्सन के साथ इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो फास्ट वे में राइट right? सो so, मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो आज हम उन्हीं सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पिक्चर्स आपको कुल मिला के यहां पे दिख रहे हैं राइट आप यहां पे लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन और डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए जिन्हें अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सो स्टार्ट कर लेते हैं पहले डेफिनेशन से लाइक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर दोज टेक्नोलॉजीज दैट एड इन फास्ट और स्पीडी एंड सिक्योर कम्युनिकेशन अमंग पीपल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड के कि किसी भी कोने में आप किसी भी पर्सन के साथ में बहुत इजी और सिक्योर वे में कम्युनिकेट कर सकते हो ये फैसिलिटी आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है सो so, टेक्नोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस वीडियो में राइट बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं यहां पर कम्युनिकेट करने के लिए ही ठीक है आप व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एप्स ई ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉगिंग शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैट सर्विसेज, है ना बेसिकली इन सभी का यूज क्यों करते हो इन सभी का यूज हम बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए अपने आइडियाज को व्यूज को थॉट्स को सभी पर्सन के साथ शेयर करने के लिए

अब आज ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका इलेक्ट्रॉनिक मेल या ई मेल ना हो हर किसी का अपना ई मेल अकाउंट होता है चाहे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो भी आपको अपना ई मेल अकाउंट चाहिए चाहिए आप चाहे हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनरोल होने के लिए तब भी आपको ई मेल अकाउंट चाहिए आपको कोई गेम प्ले करना है है ना जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा तो आपको अपना ई मेल अकाउंट चाहिए होगा आपको कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है कोई भी एप्लीकेशन वट एवर डू इन इंटरनेट सर्विसेस तो आपको अपना ई मेल अकाउंट होना जरूरी है सो ई मेल की सर्विस सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा कॉमन है और इसके लिए आपको कोई जा, बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत भी नहीं होती है मतलब ऐसे कोई आपको बहुत ज्यादा लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना होती है। बहुत सिंपल वे में आप अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल क्रिएट कर सकते हो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट वेबसाइट यहां पे आपको ई की फैसिलिटी देती है एंड सबसे कॉमन उसमें जी है ठीक है जीमेल पर आप इजिली अपना अकाउंट क्रिएट करते हो उसके बाद रेडिफ मेल याहू मेल बहुत सारी मेल आजकल तो प्राइवेट भी आप अपने तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्राइवेट भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो राइट सो so, ईमेल क्या हुआ बेसिकली ईमेल इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल किसका शॉर्ट फॉर्म है ईमेल भाई इलेक्ट्रॉनिक मेल का तो ये तो हमें अच्छे से पता है है ना ये हमें अच्छे से पता है ये आपसे वन वर्ड में एमसीक्यूज में पूछा जाता है सो so, ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल किसका फुल फॉर्म है ईमेल का ई मींस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मींस में जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो अपना मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो डिलीवर कर रहे हो सो so वो ईमेल कहलाता है इट रिफर्स टू अ मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ओवर इंटरनेट और अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज सो इसमें बेसिकली आप अपने मैसेज मैसेज को सेंड करते हो एक कंप्यूटर कंप्यूटर से दूसरे पर पर ठीक है है यहां आपका जो message होता टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंचता है जिसमें आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो जो कम्युनिकेशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी का एकदम वाइटल पार्ट है दैट इज इंटरनेट उसका आप यूज करते हो राइट सो यहां पे जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ईमेल सेंड कर रहे होते हो तो आपको जरूरत होती है किसकी सो so, यहां हमें जरूरत होती है हमारे ईमेल अकाउंट की किसकी नीड होती है भाई ईमेल अकाउंट की नीड होती है तो हर कोई बंदा अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता है ठीक है जिसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं कौन कौन से दो पार्ट होते हैं पहला तो होता है उसका यूजर नेम और दूसरा होता है ईमेल अकाउंट वेबसाइट का नाम जिस वेबसाइट पर आप अपना ईमेल क्रिएट करने वाले हों राइट right. और ये दोनों होते हैं किस सिंबल से ये दोनों होते हैं, करने के लिए आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना होता है पहले और एट द रेट के साइन के बाद में फिर आप जिस वेबसाइट पर ई क्रिएट कर रहे हो उसका नाम लिखना होता है जैसे सपोज हम मैग्नेट ब्रेन्स की बात करें तो मैग्नेट ब्रेन ठीक है यूजर नेम लिखा एट द रेट

पोस्ट कर सकते हो सेंड कर सकते हो रिसीव कर सकते हो इवन सेव भी स्टोर भी करके आप रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए कि आपने किस पर्सन को कहां ईमेल भेजा था कांटेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो यहां पर आप राइट नेक्स्ट इज शॉर्ट मैसेज सर्विस दैट इज एसएमएस ठीक है अब ये जो है ना ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आप मोबाइल फोन्स वगैरह में एसएमएस नहीं करते हो है ना एस एम एस वाला जो पार्ट आता है जिसमें आप सिर्फ टेक्सुअल मैसेज भेज सकते हो राइट सो so, उसी को हम शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं जिसमें आप कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वर्ड्स के साथ में एक छोटा सा मैसेज प्रिपेयर करके सेंड कर सकते हो सो so, यहां पे देखो शॉर्ट मैसेज सर्विस सिर्फ आप कुछ टेक्स्ट कर सकते हो इस मैसेज में छोटा सा मैसेज आप कन्वे कर सकते हो एक पीसी से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक बेसिकली इसका यूज हम मोबाइल फोन में करते हैं देखो आप, आपके मोबाइल फोन में भी एस के सर्विस होगी राइट इस तरीके से आप छोटे-छोटे मैसेजेस -छोटे को सेंड कर सकते हो इसकी भी एक लिमिट होती है लाइक like 160 कैरेक्टर्स 200 कैरेक्टर्स इतने कैरेक्टर्स में ही आप एक एक मैसेज बना सकते हो प्रिपेयर कर सकते हो यदि इससे ज्यादा का होता है तो मैसेज अपने आप दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है सो विद इन एसएमएस यू कैन सेंड अ मैसेज अप टू 160 कैरेक्टर्स टू अनादर डिवाइस longer मैसेजेस विल ऑटोमेटिकली बी स्प्लिट अप इनटू सेवरल पार्ट्स लफोन सर्विस सपोर्ट दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट मैसेजिंग हर सेल फोन में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी देखो जो भी कंपनी के मेल्स होते हैं आपने रिचार्ज करवाया उसका भी आपको जो नोटिफिकेशन आता है वो भी इसी एसएमएस के पार्ट में ही आता है ठीक है आप कोई भी वगैरह एक्सेस करते हो क्लियर तो आपने देखा है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से एस के फॉर्मेट में ही मिलती है तो यह शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होती है जिसमें आप एक लिमिटेड कैरेक्टर्स को ही सेंड कर सकते हो रिसीव कर सकते हो क्लियर जिसमें आप सिर्फ टेक्चुअल डेटा को ही सेंड कर सकते हो थर्ड इज वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैट सर्विसेज अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है बेसिकली यहां पे हम बात कर रहे हैं वो चैट सर्विसेज वो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी जिसमें आप सामने बन्द, वाले बंदे को देख कर बात कर सकते हो ठीक है बिल्कुल वैसी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो बंदा आपके पास नहीं है आप उसके इमोशंस को देख सकते हो आप उसके फेस को देख कर बात कर सकते हो राइट तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी को इस टाइप की सर्विस को हम क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं एंड होप ये आपके लिए बहुत कॉमन है हमने अभी लॉकडाउन के टाइम पे इसको बहुत यूज किया है इवन आपको यदि किसी पर्सन से किसी रिलेटिव से बात करनी होती है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी यूज कर सकते हो इसका आप अलग

ओवर अ नेटवर्क राइट नेटवर्क की मदद से इंटरनेट की मदद से दो अलग अलग पर्सन जो दो अलग अलग जगहों पर रहते हैं पर फिर भी वो एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं और हो. right? so, जरूरत होती है आपको स्पीकर की जरूरत होती है राइट right? और साथ ही यहाँ पे जो प्रोटोकॉल वर्क करता है इंटरनेट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल राइट आर आपको बताया वहां पर आप इजिली चैटिंग भी कर सकते हो इवन आप इन सॉफ्टवेयर के साथ में सिर्फ टेक्चुअल मैसेज ही नहीं बल्कि आप मीडिया इमेजेस को, को भी शेयर कर सकते हो राइट right?

ठीक है जो बंदे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे मैं उनके भी ब्लॉग्स पढ़ती हूँ तो मैं चाहती हूं कि मैं भी अपना कुछ ऐसा वेबसाइट क्रिएट करूँ जिसमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकूं राइट तो ब्लॉग का मतलब बेसिकली यही होता है कि जब आप अपनी ऑनलाइन डायरी प्रिपेयर करते हो ऑनलाइन जर्नल भी हम जिसे कहते हैं जिसमें आप अपने इंटरेस्ट की चीज लिखते हो और मल्टीपल पर्सन के साथ शेयर करते हो दैट इज कॉल्ड ब्लॉग ठीक है सो इसको बहुत से लोग वेबसाइट भी कहते हैं कि आप अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जिसमें फिर मल्टीपल पर्सन आपके ब्लॉग को आपके आर्टिकल को पढ़ते हैं पढ़ने के बाद उस पर कमेंट करते हैं राइट हो सकता है वो किसी के लिए यूजफुल हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉग्स होते हैं पर्सनल ब्लॉग होते हैं ठीक है प्रोफेशनल ब्लॉग्स भी होते हैं हर तरीके के लोग अपने अपने तरीके से ब्लॉग क्रिएट करते हैं किसी को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग्स क्रिएट करता है कोई सेलिब्रिटी है तो अपने अकॉर्डिंग ब्लॉग्स क्रिएट करता है राइट सो होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ब्लॉग्स के है। बहुत कॉमन सी चीज है आजकल हर कोई ब्लॉगिंग करता है हर कोई ब्लॉग्स बनाता है सो द वर्ड ब्लॉग इज अ शॉर्टनड वर्जन ऑफ वेब लॉग यदि हम बात करें कि ब्लॉग कहां से जनरेट हुआ है क्या है इसका फुल फॉर्म तो इसका फुल फॉर्म होता है वेब लॉग अब बहुत ध्यान से समझना इस वेब का क्या मतलब है और इस लॉग का क्या मतलब है जैसे मैंने बताया कि लॉग का मतलब बेसिकली कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन करते हो तो वो आपका लॉग होता है राइट जैसे सपोज मैं मैंने एक डायरी प्रिपेयर की हुई उस डायरी में मैं दिन भर जो होता है वो मेंशन करती हुँ. ये मेरे इंटरेस्ट की चीजें सारी मेंशन करके रखती हूँ तो मैंने अपना एक लॉग प्रिपेयर किया हुआ है ठीक है अब यदि मैं इस चीज को ऑनलाइन इंटरनेट पर एक्सेस करती हूँ ताकि ये और पर्सन के लिए हेल्पफुल हो सके तो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे वेब लॉग कहेंगे अब ऐसे मल्टीपल पर्सन अपने ब्लॉग्स को प्रिपेयर करते हैं वेब का ही इन शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाता है ब्लॉग कहलाता है आई बात समझ में अच्छे से तो आपको ये वर्ड ध्यान रहेगा ना और 90 से ही इस टर्म की शुरुआत हो चुकी है नाउ इट इज एन ऑनलाइन जर्नल वेब्लॉग डायरी और न्यूज कॉलम विद पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स लेटेस्ट फर्स्ट अब यहाँ पे जितने भी पोस्ट होते हैं जितने भी आर्टिकल्स पोस्ट वगैरह जो आप करते हो जो मैसेज आप इसमें लिखते हो वो बेसिकली कैसे होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है recent जो आपने लिखा हुआ है पोस्ट जो आपने अपडेट किया है वो टॉप पर आता है बाकी प्रीवियस वाले लास्ट में चले जाते हैं राइट सो so ये बात अच्छे से समझ में आई कि जितने भी पोस्ट आप यहाँ पे करते हो अपनी वेबसाइट में ब्लॉग में वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेजड होते हैं एंड ऑप्शन फॉर रीडर्स टू कमेंट लाइक और इसके लिए आप जिन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते ब्लॉग्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए तो वर्ड प्रेस ब्लॉगर डॉट कॉम यह आपको ऑनलाइन ब्लॉगिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इवन आप ऑफलाइन ब्लॉगिंग भी कर सकते हो जिसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे क्यूमाना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ऑफलाइन ब्लॉगिंग भी कर सकते हो राइट सो so, ब्लॉग अच्छे से समझ में आया अब बात कर लेते हैं वही विकीज की तो ये क्या होता है भाई ठीक है ये भी ब्लॉग की तरह ही होता है जिसमें आप अगेन पोस्ट कर सकते हो इवन आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में मल्टीपल पर्सन यहाँ पे अपने पोस्ट को कर सकते हो शेयर कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो राइट तो विकी रिफर्स टू तो एन इजिली एडिटेड सेट ऑफ वन और मोर वेब पेजेस

वो खुद के आर्टिकल्स वगैरह लिख सकता है ठीक है शेयर कर सकता है बट विकीज यहाँ पे में मल्टीपल पर्सन इसका यूज कर सकते हैं कॉन्टेंट को क्रिएट करने के लिए जैसे विकीपीडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस मीडिया विकी इज ऑल्सो राइट

इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब दोनों सामने वाले बंदे ऑनलाइन होंगे तो आप इंस्टेंट मैसेज कर सकते हो अब यहाँ पे ब्लॉग और इंस्टेंट मैसेजिंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया माइक्रो ब्लॉगिंग को माइक्रो ब्लॉगिंग में मतलब यहाँ पे आप बड़े आर्टिकल्स नहीं क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे आप कुछ कैरेक्टर्स में कुछ वर्ड्स में जैसे एसएमएस करते हो ना आप शॉर्ट मैसेज सर्विस वैसे आप कुछ यहां पे मैसेजेस को क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट मैसेजेस को जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस वेबसाइट कौन सी है ट्विटर तो ट्विटर का जैसे ही मैंने नाम लिया अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ट्विटर में आप देखते हो आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ट्वीट करते हैं ठीक है बिल्कुल ब्लॉगर जैसा ही होता है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैसेजेस को शेयर कर सकते हो वो मैसेजेस मल्टीपल पर्सन देखते हैं यदि वो उनके लिए यूजफुल होता है तो उसको रीड करते हैं लाइक like करते हैं कॉमेंट करते हैं राइट इसमें भी आप यहाँ पर शॉर्ट मैसेजेस को पोस्ट कर सकते हो सो माइक्रो ब्लॉगिंग नाम से समझ में आ रहा है

Now at last is document and calendar sharing services. अब डॉक्यूमेंट और कैलेंडर शेयरिंग सर्विसेज क्या है देखो आजकल आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो जैसे पहले क्या होता था कि आपको डॉक्यूमेंट यदि प्रिपेयर करना है तो पहले आपको वर्ड को इंस्टॉल करना है या, या फिर आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो आजकल तो लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस जैसे भी वर्ड के सॉफ्टवेयर आ गए अलग अलग तो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है फिर आप उस पर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो तो ऑफलाइन आप उसका यूज करते थे लेकिन आजकल ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो जिसके लिए

गूगल स्लाइड डिफरेंट गूगल फॉर्म्स वगैरह के थ्रू भी आप इनपुट ले सकते हो मल्टीपल यूजर्स के थ्रू राइट सो so, होप आपने इनका यूज भी देखा होगा आपके स्कूल में भी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करवानी होती होगी तो आपकी टीचर गूगल फॉर्म्स का यूज करती होगी राइट या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी पहुंचानी ऑनलाइन रहकर आप उसको कहीं भी किसी जगह पर यूज कर सकते हो तो आप गूगल डॉक्स का भी यूज कर सकते हो गूगल शीट गूगल स्लाइड्स का भी यूज कर सकते हो राइट सो so, होप आपको यहाँ पे सारी पॉपुलर और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छे से समझ में आया इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट चैट सर्विसेज सॉफ्टवेयर को भी ऐड कर सकते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया एप्स है उनको आप ऐड नहीं कर सकते हो वो भी मोस्ट और रिसेंट पॉप्युलर एप्लीकेशन राइट बट ये कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा जो हमने चैट सर्विसेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा उनकी कैटेगरी में आप इनको एज ए सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर सकते हो सो so, जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी बनती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वो हमने अच्छे से डिटेल में कवर की है एंड होप आपको ये अच्छे से समझ में आया और अब एग्जाम्पल में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम्पल के साथ में लिखकर आ सकते हो सो मैग्नेट ब्रेन आपको ना सिर्फ के ट्वेल्व बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE, Hindi English Medium, CBT, NTSC, Olympiad. यूपी बिहार बोर्ड और अब तो एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है हंड्रेड परसेंट फ्री क्वालिटी एजुकेशन यदि आप यहाँ फैसिलिटी को एक्सेस करना चाहते हो so वो भी मैग्नेट ने आपके लिए लिए अवेलेबल किया है इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जानी है या फिर आप कुछ लेटेस्ट अपडेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो लाइक फेसबुक इंस्टा ट्विटर जैसे वेबसाइट्स को राइट सो मैग्नेट मैग्नेट्रीन आपको हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सकते हो सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे स्टेपी थैंक यू सो मच